पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में कुछ जगह पर एक दो स्थान पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिसमें कि भद्रक में सबसे ज्यादा 10.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगर बात करें मिनिमम टेम्परेचर तो इंटीरियर में एप्रिशिएबल राइज 2 से 4 डिग्री बढ़ोतरी देखी गई है मिनिमम टेम्परेचर में, और जो हमारे कुछ कोस्टल नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा है वहाँ पर 2 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे भी गिरे हैं और बाकी जगह ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, मिनिमम टेम्परेचर हिल स्टेशन और प्लेन एरिया में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसमें सुंदरगढ़ की और दारिंगबाड़ी है। अगर बात करें भुवनेश्वर की, भुवनेश्वर का जो मिनिमम टेम्परेचर 18.8 डिग्री सेल्सियस और कटक का 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। जो मंडल साइक्लोन का जो अभी रेमिनेंट है वो एक लो प्रेशर एरिया में बदल गया है, उसकी वजह से कुछ जगह पर साउथ उड़ीसा में बादल है, जिसकी वजह से आगे डे वन में हमारे पास लाइट रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें कि नौपाड़ा, कालाहांडी, नलंगपुर, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। डे टू से डे फाइव यानी 12 तारीख से 15 तारीख तक जो वेदर है उड़ीसा के ऊपर ड्राई रहने की संभावना है। मिनिमम टेम्परेचर तो अगले 3 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, लेकिन उसके बाद अगले दो दिन में डे फोर और डे फाइव में 14-15 में ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे नीचे गिरने की संभावना रख रहा है। उसके बाद बात करें भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में पार्टली क्लाउडी स्काई रहने की संभावना और कल का जो मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने की संभावना है।